पहले आपको बता दें कि दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को किया गिरफ्तार। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत की हुई है गिरफ्तारी। आपको बता दें कि त्यागी समाज की महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे राकेश टिकैत, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत की हुई है गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को किया है गिरफ्तार। आप तक हम ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, आज दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां महापंचायत में शामिल होने से पहले पुलिस ने राकेश टिकैत को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कई घंटों से मधु विहार थाने में बैठा कर रखा है राकेश टिकैत को। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा राकेश टिकैत को किया गया गिरफ्तार। त्यागी समाज की महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि त्यागी समाज के महापंचायत में जा रहे थे राकेश टिकैत, जिनको अब दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कई घंटों से मधु विहार थाने में राकेश टिकैत को बैठा रखा है, जिसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को किया गिरफ्तार। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि त्यागी समाज के प्रकरण की महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे राकेश टिकैत, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसान नेता राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया जा चुका है, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए श्रीकांत त्यागी नोएडा में जिस तरह चर्चित रहे और लगातार उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद त्यागी समाज जो है वो आज एक महापंचायत नोएडा में कर रहा था, और इसे लेके नोएडा पुलिस दिल्ली पुलिस दोनों अलर्ट पे थी, और राकेश टिकैत उसी में भाग लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही गाजीपुर बॉर्डर से खासतौर पे दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है, जिससे कि जिस तरह जो महापंचायत बुलाई गई थी, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। नोएडा पुलिस भी पहले से अलर्ट पे थी, हालांकि श्रीकांत त्यागी को लेके लगातार त्यागी समाज जो है अब इसका विरोध कर रहा है। भले ही उस समय श्रीकांत त्यागी को उसके सहयोगी ना मिल रहे हों जब उसकी अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार इसे लेके घमासान बना हुआ है, और ये जो नोएडा पुलिस की कार्रवाई है उसे लेके भी त्यागी समाज जो है वो लगातार उसे टारगेट कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कई जगह त्यागी समाज के द्वारा घेराव किया गया था, और आज जो है त्यागी समाज ने महापंचायत बुलाई थी जिसमें राकेश टिकैत शिरकत करने जा रहे थे। जी, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत को कई घंटों से मधु विहार थाने में बैठा कर रखा गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जो महापंचायत बुलाई गई थी और वो महापंचायत जो है पूरे दिन चलने वाली थी, तो ऐसे में राकेश टिकैत को छोड़ा जाता तो कभी किसी भी वक्त वो उस महापंचायत में जा सकते थे, और यही वजह है कि पुलिस जब भी किसी को हिरासत में लेती है तो उसके बाद जब तक कि जिस वजह से हिरासत में लिया गया वो कारण जब तक समाप्त नहीं होते तब तक पुलिस जो है उन्हें कस्टडी में रखती है। हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली पुलिस इस तरह का रवैया खासतौर पर अपनाती है, और ऐसे में अभी आज का दिन पूरा नहीं हुआ है जिस तरह महापंचायत बुलाई गई है, और अभी भी दिल्ली पुलिस ने जो है वो उन्हें हिरासत में ले रखा है। हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन खासतौर पर राकेश टिकैत इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वो इस महापंचायत में हिस्सा ना ले, वहां ना जाए, लेकिन राकेश टिकैत अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, जिस वजह से दिल्ली पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा। जी, अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो क्या इस मामले, क्या खाली राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई है या उनके साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा? राकेश टिकैत जो है प्रमुख नाम है, जिस तरह भारतीय किसान यूनियन जो खासतौर किसानों के मुद्दों को लेकर जब धरना प्रदर्शन कर रही थी
तो राकेश टिकैत जो है किस तरह से उन्होंने, अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो आंदोलन जब समाप्ति की कगार पे था उसके बाद राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन को जीवित किया था, और वहीं से राकेश टिकैत जो एक बड़े आइकॉन के रूप में कहीं ना कहीं निकल के आए हैं। और अब यहाँ पे जो राकेश गिरफ्तारी हुई उसमें राकेश टिकैत का प्रमुख नाम है, हालांकि उनके साथ कुछ अन्य जो उनके कार्यकर्ता नेता थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन प्रमुख भूमिका जो है वो यहाँ पे राकेश टिकैत की नजर आ रही है। जी जी, राकेश टिकैत की इस गिरफ्तारी को लेके क्या पुलिस के द्वारा भी कुछ कहा गया है? देखिए, जैसा जिसकी मैं बात कर रहा था, खासतौर की राकेश टिकैत जो वो महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए नोएडा जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वे अपने घर वापस चले जाएं और ऐसे में वो नोएडा नहीं जा सकते हैं, महापंचायत में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारी मान मनोबल के बाद भी राकेश टिकैत जो है वो पुलिस की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। जी। ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि त्यागी समाज की महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे राकेश टिकैत, जिनकी अब दिल्ली पुलिस के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से गिरफ्तारी की जा चुकी है। महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे राकेश टिकैत, पुलिस ने कई घंटों से मधुविहार थाने में बैठा कर रखा।